हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड सीमा। आज हम यहां पे हैंगिंग लाइटनिंग क्रिसमस ट्री बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप इसे आकाश कंदील की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहां पे 3 मीटर का 5 पीस कॉर्ड लिया है ग्रीन कलर का। बाकी कॉर्ड का मेजरमेंट जो है मैं आगे बताऊंगी फ्रेंड्स। और यहां पे मैंने 4 प्लास्टिक का रिंग लिया है, उसमें 2.5 इंच का एक रिंग, 3.5 इंच का एक रिंग, 4.5 इंच का एक रिंग, 5.5 इंच का और एक रिंग, टोटल 4 रिंग लिया है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का रिंग लिया है, आप चाहो तो यहाँ पे मेटल का रिंग यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा मेटल का रिंग लिया है और कुछ क्रिस्टल का बीड्स। मैंने यहाँ पे येलो कलर का क्रिस्टल बीड्स लिया है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे मटका वाला बीड्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे रेड कलर का कुछ क्रिस्टल बीड्स लिया है। सभी कॉर्ड को एक साथ लेना है और रिंग पे ऐसे हाफ फोल्ड में लेना है। मेटल का जो छोटा वाला रिंग है उसमें हाफ फोल्ड में ऐसे करके लेना है फ्रेंड्स। बाद में यहाँ पे 1/2 मीटर का एक्स्ट्रा कॉर्ड लेना है और सभी कॉर्ड को एक साथ लेकर उसके ऊपर से एक छोटा सा नॉट डालना है। नॉट डालने के बाद यहाँ पे रैप करना है। देखिए फ्रेंड्स, नीचे से ऊपर की तरफ स्लोली रैप करना है। रैपिंग कंप्लीट करने के बाद ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कॉर्ड के एंडिंग को जलाकर वहीं पे लगा देना है। अब यहाँ पे 1/2 मीटर का एक कॉर्ड लेना है और कॉर्ड को जलाकर ऐसे यहाँ पे लगा देना है फ्रेंड्स। और रिंग पे रैप करना है। देखें, नीचे से एक बार ऐसे रैप करना है, ऊपर से एक बार ऐसे रैप करना है, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से, ऐसे ही पूरे रिंग पे रैपिंग कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। रैपिंग कंप्लीट करने के बाद कॉर्ड के और एक साइड को भी ऐसे जलाकर वहीं पे लगा देना है। अब यहाँ पे किसी भी 2 कॉर्ड को लेना है और एक कॉर्ड से एक कॉर्ड पे ऐसे रैप करना है फ्रेंड्स। देखिए, लेफ्ट साइड के कॉर्ड से राइट साइड के कॉर्ड पे एक बार रैप करना है, राइट साइड के कॉर्ड से लेफ्ट साइड के कॉर्ड पे एक बार रैप करना है, ऐसे ही रैपिंग करना है फ्रेंड्स। ऐसे ही 2-2 कॉर्ड लेकर रैप करके एक एक स्ट्रिप सा बनाना है फ्रेंड्स। देखिए, मेरा यहाँ पे 5 स्ट्रिप बन चुका है। एक स्ट्रिप में मैंने 18 टाइम रैपिंग किया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 2.5 इंच का प्लास्टिक का रिंग लेना है और रिंग के अंदर से सभी कॉर्ड को ऐसे लेना है। अब यहाँ पे एक एक कॉर्ड को लेकर ऐसे पाइपिंग करना है फ्रेंड्स। देखें, ऊपर से नीचे की तरफ 2 बार रैप करने से एक पाइपिंग नॉट बन जाएगा। एक कॉर्ड से ऐसे ही 2 बार रैप करना है। ऐसे ही सभी स्ट्रिप्स को रिंग पे फिक्स करके लेना है फ्रेंड्स। आप इस क्रिसमस ट्री को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। 1-1 इंच के डिफरेंस में 4 मेटल का या प्लास्टिक का रिंग लेना है और उसके हिसाब से जितना कॉर्ड उसमें बैठता है उतना आपको कॉर्ड भी लेना है। आप इस क्रिसमस ट्री को घर के अंदर ही लाइटिंग करके सजा भी सकते हैं क्रिसमस में, या फिर दिवाली में आकाश कंदील की तरह भी बाहर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। सभी स्ट्रिप को रिंग पे फिक्स करने के बाद अब यहाँ पे 2.5 मीटर का 5 पीस कॉर्ड लेना है और उसे हाफ फोल्ड में लेकर ऐसे 2 स्ट्रिप्स के बीच में फिक्स करना है, रिंग पे फिक्स करना है फ्रेंड्स। कॉर्ड को फिक्स करने के बाद दोनों तरफ से एक बार ऊपर से नीचे की तरफ कॉर्ड को रैप करके लेना है फ्रेंड्स। ऐसे ही 2 स्ट्रिप्स के बीच में एक एक कॉर्ड को फिक्स करके लेना है। अब यहाँ पे किसी भी 2 कॉर्ड को लेना है, उसमें से लेफ्ट साइड के कॉर्ड में क्रिस्टल का बीड्स डालना है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे क्रिस्टल बीड्स की बजाय मटका वाला बीड्स यूज़ कर सकते हैं। आराम से बीड्स डाला हुआ जो कॉर्ड है उसे लूप करके लेना है।
नेक्स्ट कॉर्ड को उसके ऊपर से रैप करके टाइटली पकड़ना है। नीचे का जो कॉर्ड है उसे ऊपर कर देना है, साइड का कॉर्ड जो है उस लूप के अंदर से लेना है। नीचे से पहले कॉर्ड को स्लोली खींचना है, लेफ्ट साइड के कॉर्ड को खींचकर राइट साइड के कॉर्ड को भी खींचना है। यहाँ पे एक बॉक्स नॉट बन चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट का दो कॉर्ड लेना है, उसमें से लेफ्ट साइड के कॉर्ड में क्रिस्टल का बीड्स डालना है। फ्रेंड्स बीड्स डालने में तकलीफ होता है तो कॉर्ड के एंडिंग को थोड़ा सा जला के ले लीजिए, आराम से बीड्स डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बॉक्स नॉट डालना है फ्रेंड्स। बॉक्स नॉट के बिगिनर्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, मैं उसे एंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप चाहो तो उसे देख कर बॉक्स नॉट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे दो नॉट बन चुका है। नेक्स्ट का दो दो कॉर्ड लेकर ऐसे ही एक राउंड बीड्स डालकर बॉक्स नॉट डाल के कंप्लीट करना है। मेरा यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे दोनों नॉट में से एक एक कॉर्ड लेना है, उसमें से लेफ्ट साइड के कॉर्ड में बीड्स डालना है। बीड्स डाला हुआ जो कॉर्ड है उसे लूप करके लेना है। नेक्स्ट कॉर्ड को उसके ऊपर से रैप करके टाइटली पकड़ना है। नीचे जो कॉर्ड है उसे ऊपर कर देना है, रैप किया हुआ जो कॉर्ड है उसे लूप के अंदर से लेना है। नीचे से कॉर्ड को खींचकर लेफ्ट साइड के कॉर्ड को खींचकर बाद में राइट साइड के कॉर्ड को भी ऊपर से खींचना है। नेक्स्ट का दो कॉर्ड लेना है, उसमें से लेफ्ट साइड के कॉर्ड में बीड्स डालकर बॉक्स नॉट डालना है। बॉक्स नॉट जो है बहुत ही सिंपल और ईजी भी है फ्रेंड्स, आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट का दो दो कॉर्ड लेकर बॉक्स नॉट डालते हुए पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है। मेरा यहाँ पे दो राउंड बॉक्स नॉट डाल के कम्प्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे रेड कलर का क्रिस्टल का बीड्स ले रही हूँ। दोनों नॉट में से एक कॉर्ड को लेना है और लेफ्ट साइड के कॉर्ड में क्रिस्टल का बीड्स डालना है रेड कलर का। फ्रेंड्स बीच बीच में मैं यहाँ पे क्रिस्टल का बीड्स यूज़ कर रही हूँ, क्रिसमस ट्री में जो बॉल सा रहता है रेड वाला, वैसे इसी में यहाँ पे मैं क्रिस्टल का रेड कलर का बीड्स यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ही दो दो कॉर्ड को लेकर नॉट डालते हुए एक एक राउंड कंप्लीट करते जाना है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे टोटल 5 राउंड बीड्स डालकर बॉक्स नॉट डाल के कंप्लीट किया है। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बीच बीच में रेड कलर का बीड्स डाला है, आप जहाँ चाहो वहाँ पे डाल सकते हैं वैसे ही रेड कलर का बीड्स। अब यहाँ पे 3.5 इंच का और एक प्लास्टिक का रिंग लेना है और रिंग के अंदर से सभी कॉर्ड को ऐसे लेना है। अब यहाँ पे एक एक कॉर्ड को लेकर रिंग पे ऐसे पाइपिंग करना है फ्रेंड्स। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ दो बार रैप करने से यहाँ पे पाइपिंग बन जाएगा। ऐसे ही रिंग पे हर एक कॉर्ड से पाइपिंग करके लेना है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल का बाकी का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के नाम पर क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे आपको सभी वीडियो दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे रिंग पे सभी कॉर्ड को फिक्स करके ले लिया है। अब यहाँ पे दो दो नॉट को एक साथ लिया है मैंने और बीच में गैप करके लिया है। देखिए अब यहाँ पे 2 मीटर का 5 पीस कॉर्ड लेना है। कॉर्ड को हाफ फोल्ड में लेके यहाँ पे दो दो नॉट के बीच में एक एक कॉर्ड को फिक्स करना है। कॉर्ड को फिक्स करने के बाद कॉर्ड को दोनों तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ एक बार रैप करके लेना है फ्रेंड्स। ऐसे ही दो नॉट के बीच में एक एक कॉर्ड को फिक्स करके लेना है। सभी कॉर्ड को फिक्स करने के बाद अब यहाँ पे किसी भी दो कॉर्ड को लेना है, उसमें से लेफ्ट साइड के कॉर्ड में येलो कलर क्रिस्टल का बीड्स डालना है और यहाँ पे बॉक्स नॉट डालना है फ्रेंड्स। एक नॉट के बाद नेक्स्ट का दो कॉर्ड लेना है, उसमें से लेफ्ट साइड के कॉर्ड में बीड्स डालना है और यहाँ पे दोनों कॉर्ड को एक साथ लेकर बॉक्स नॉट डालना है। ऐसे ही नेक्स्ट का दो दो कॉर्ड लेकर बॉक्स नॉट डालते हुए पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। एक राउंड बॉक्स नॉट डाल के कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे दोनों नॉट में से एक कॉर्ड लेना है, उसमें से लेफ्ट साइड के कॉर्ड में बीड्स डालना है और बॉक्स नॉट डालना है फ्रेंड्स। बीच बीच में रेड कलर का बीड्स डाल के ले लीजिए फ्रेंड्स। एक नॉट के बाद नेक्स्ट का दो कॉर्ड लेना है, उसमें से लेफ्ट साइड के कॉर्ड में बीड्स डालकर बॉक्स नॉट डालना है। ऐसे ही बीड्स डालकर नॉट डालते हुए एक एक राउंड कंप्लीट करके लेना है।
फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे टोटल 4 राउंड बीड्स डालकर नॉट डाल के कम्प्लीट किया है। अब यहाँ पे 4.5 इंच का और एक प्लास्टिक का रिंग लेना है। रिंग के अंदर से सभी कॉर्ड को लेना है और रिंग पे एक एक कॉर्ड को लेकर पाइपिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे 2 बार रैप करने से पाइपिंग बन जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ 2 बार रैप करने से पाइपिंग बन जाएगा। ऐसे ही हर एक कॉर्ड से रिंग पे पाइपिंग करना है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे रिंग पे कॉर्ड को फिक्स करके ले लिया है। 3 नॉट के बीच में एक एक गैप करके लिया है। देखिए ऐसे ही 3 नॉट के बीच में एक एक गैप करके लेना है। मैंने यहाँ पे 2 मीटर का 5 कॉर्ड लिया है। कॉर्ड को हाफ फोल्ड में लेना है और रिंग पे ऐसे फिक्स करना है। कॉर्ड को फिक्स करने के बाद दोनों तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ 1 बार रैप करके लेना है फ्रेंड्स। ऐसे ही 3-3 नॉट के बीच में एक एक कॉर्ड को फिक्स करके लेना है फ्रेंड्स। सभी कॉर्ड को फिक्स करने के बाद अब यहाँ पे किसी भी 2 कॉर्ड को लेना है। उसमें से लेफ्ट साइड के कॉर्ड में क्रिस्टल का बीड्स डालना है। मैंने यहाँ पे बीच बीच में रेड कलर का बीड्स डाला है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दोनों कॉर्ड को लेकर बॉक्स नॉट डालना है। 1 नॉट के बाद नेक्स्ट का 2 कॉर्ड लेना है और ऐसे ही बीड्स डालकर बॉक्स नॉट डालना है। ऐसे ही नेक्स्ट का 2-2 कॉर्ड लेकर बीच डालकर बॉक्स नॉट डालते हुए पूरा 1 राउंड कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। मेरा यहाँ पे 1 राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे दोनों नॉट में से एक एक कॉर्ड लेना है। उसमें से लेफ्ट साइड के कॉर्ड में क्रिस्टल का बीच डालना है और बॉक्स नॉट डालना है। एक नॉट के बाद नेक्स्ट का 2 कॉर्ड लेना है। उसमें से लेफ्ट साइड के कॉर्ड में बीड्स डालना है और सेम बॉक्स नॉट कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स। ऐसे ही एक एक राउंड बीड्स डालकर नॉट डालते हुए कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही नया नया वीडियो मेरे चैनल पे देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। मैंने यहाँ पे टोटल 4 राउंड बीड्स डालकर नॉट डाल के कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 5.5 इंच का और एक प्लास्टिक का रिंग लेना है और उसमें सभी कॉर्ड को एक साथ लेना है और यहाँ पे एक एक करके कॉर्ड से रिंग पे पाइपिंग करना है। देखिए एक कॉर्ड से 2 बार रैप करने से पाइपिंग बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे एक कॉर्ड से 3 बार रैप करना है क्योंकि रिंग जो है बड़ा है। हमें रिंग पे पूरे कॉर्ड को कवर करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्ड फिक्स नहीं करना है। इसीलिए हर एक कॉर्ड से 3 बार रैप करके लेना है फ्रेंड्स। मेरा यहाँ पे रैपिंग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे 2 कॉर्ड के बीच में 2-2 कॉर्ड को छोटा करके कट करके लेना है और 2 कॉर्ड को एक ही लेवल में कट करके लेना है ऐसे। अब यहाँ पे छोटा जो कट किया हुआ कॉर्ड है उसे जलाकर अंदर की तरफ लगा देना है। ऐसे ही सभी कॉर्ड को कट करके लेना है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे मटका वाला बीड्स ले रही हूँ। दोनों कॉर्ड में ऐसे मटका वाला बीड्स डालना है और यहाँ पे मैं बेल बीड्स यूज़ कर रही हूँ ऐसा वाला। मेरा यहाँ पे नज़दीकी शॉप में मिलता है फ्रेंड्स, ऑनलाइन में ये अवेलेबल नहीं है। बेल बीड्स को डालना है और दोनों कॉर्ड को ऐसे जॉइंट करके लेना है। आपके पास जो बेल बीड्स है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही हर एक कॉर्ड को एक ही साइज में कट करके बेल बीड्स लगा के लेना है फ्रेंड्स। मेरा यहाँ पे सुंदर सा क्रिसमस ट्री रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। आई होप कि हैंगिंग क्रिसमस ट्री आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इसमें लाइट भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और इसके साथ
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स।